देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त की बड़ी अहम खबर। हुगली के चंदन नगर से अब पुलिस ने फर्जी डीएसपी को किया गिरफ्तार। गाड़ी के ऊपर नीली रंग की बत्ती लगाकर घूमता था आरोपी, अपने आप को डीएसपी बताकर लोगों पर जमाता था धौंस। पुलिस का कहना है कि स्कॉर्पियो के आगे और पीछे बंगाल सरकार का स्टिकर भी लगा था, साथ ही गाड़ी के ऊपर नीली रंग की बत्ती भी लगी हुई थी। बंगाल से फर्जी आईएएस, फर्जी सीबीआई अधिकारी, फर्जी सरकारी वकील, फर्जी आईबी अधिकारी व फर्जी पुलिस के बाद अब एक फर्जी डीएसपी को गिरफ्तार किया गया। हुगली जिले में चंदन नगर कमिश्नरियट की पुलिस ने बुधवार देर रात चंदन नगर के रानीघाट इलाके से नशे में धुत एक फर्जी डीएसपी को वर्दी में गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक का नाम सिद्धार्थ चक्रवर्ती है। वो चंदन नगर थाना क्षेत्र के बंकी गली अंचल का रहने वाला बताया गया। पुलिस ने सिद्धार्थ के साथ उसके दो दोस्त को भी पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो भी जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि स्कॉर्पियो के आगे और पीछे बंगाल सरकार का स्टिकर भी लगा था, साथ ही गाड़ी के ऊपर नीली रंग की बत्ती भी लगी हुई थी। आरोपी युवक अपने आप को डीएसपी बताकर लोगों पर धौंस जमाता था। फर्जी डीएसपी सिद्धार्थ से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि बुधवार रात 11:30 बजे के करीब जब चंदन नगर थाने की पुलिस गश्त लगा रही थी, उसी समय पुलिस वालों ने देखा कि रानीघाट बस स्टैंड के पास सरकारी गाड़ी खड़ी है और उस पर कुछ लोग सवार हैं। पुलिस को उन लोगों के हरकत पर शक हुआ। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने इसकी जानकारी तुरंत थाना प्रभारी को दी। इसके बाद प्राथमिक पूछताछ में संदेह होने पर पुलिस ने गाड़ी में सवार तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी डीएसपी के नाम पर सिद्धार्थ ने कौन कौन से गैरकानूनी कार्य किए हैं, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। आपको बता दूं, इससे पहले कोलकाता से फर्जी आईएएस दिवंजन देव समेत कई फर्जी अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे देखें पूरी वीडियो में पूरी रिपोर्ट। পুরো তারিখটা বলুন, নয় নয় কত তারিখটা কত? পুরো নয় নয় 2021। নয় নয় 21। আচ্ছা, এখন রাত্রি কটা বাজে? 12:00 বাজে। আপনি কি পুলিশের ডিএসপি? স্যার আমি কিছু না স্যার। তাহলে আপনি যে ডিএসপি পোশাক পরে আছেন স্যার, এটা ভাওতা বাজি। আমি স্যার যেরকম আমার যেরকম যা বলেছিল স্যার আমি সেরকম করেছি। না, আপনার নাম কি? আমার নাম সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী। এই পোশাকটা তাহলে কোথা থেকে বানালেন? লোগোটার কাছে নিয়ে যাচ্ছে।